उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के चौकीदारों ने अपनी आर्थिक तंगी को लेकर जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महंगाई के दौर में 2500 रुपए वेतन में पड़ रहा है चौकीदारों को परिवार का पालन पोषण। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहां चौकीदारों ने अपनी आर्थिक तंगी को लेकर जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को लेकर अलीगढ़ मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। दरअसल अलीगढ़ के चौकीदार अब एक बड़े प्रदर्शन के मूड में हैं। कम तनख्वाह जिसके चलते इन लोगों को अपने परिवारों के पालन पोषण करने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चौकीदारों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज के इस महंगाई के दौर में 2500 रुपए वेतन में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण करना नामुमकिन हो चुका है, जिसे परेशान होकर आज चौकीदारों ने जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया और साथ ही अलीगढ़ में स्टेट के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हम उत्तर प्रदेश के यहाँ जनपद अलीगढ़ के ग्राम चौकीदार हैं, जो कि गाँवों में हम सूचना देने का काम करते हैं पुलिस को। हम अंग्रेजी शासन से पुलिस की सेवा करते चले आ रहे हैं, बहुत ही अल्प वेतन पर, जो कि 2500 रुपये मासिक वेतन मिलता है। उससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम बहुत ही गरीबी और लाचारी में, हीन भावनाओं में अपना जीवन जी रहे हैं, जिससे अपने परिवार में न तो बच्चों को शिक्षा दिला पा रहे हैं, कोई भी सुविधा हमारे लिए ठीक से नहीं है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमें स्थायी किया जाए, वो राज्य कर्मचारी का वेतन देकर हमें स्थायी किया जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। समय अनुसार अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे? हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। हमारी पीढ़ियां गुजर गई, चौकीदार के चौकीदार ही चले आ रहे हैं। अगर चौकीदारों के बच्चों को शिक्षा मिलती तो आज इसका दर्जा कहीं और ऊंचा उठता, देश की तरक्की में हम भी सहयोग करते। कितने चौकीदार हैं पूरे अलीगढ़ में? अलीगढ़ में समथिंग 1200 के समथिंग चौकीदार हैं। कितना समय आप ड्यूटी? ज़्यादा है। चौकीदारी के 4 दिन के लिए तो हमें थाने पर बुलाया जाता है और सूचना देते रहते हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसकी सूचना देने का कार्य करते हैं। ये चौकीदारों ने ज्ञापन दिया है कि इनको राज्य कर्मचारी के रूप में स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि इनको अभी जो मानदेय मिलता है 2500 रुपये, उसमें इनको अपने परिवार का भरण पोषण में समस्या आ रही है, इसके संबंध में ज्ञापन दिया है। सर, इनका कहना है कि जो 2500 रुपये को मिला उससे घर परिवार का सही प्रकार नहीं करना है, उसको बढ़ा दिया नहीं, इन्होंने स्थायीकरण के लिए दिया है, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।